अब कंपाउंडिंग जब समझ में आ गया है तो कंपाउंडिंग का थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, वो हम इन्फ्लेशन में इसी का सेकंड पार्ट में समझेंगे। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट क्यों करना। इन्वेस्टमेंट करने का सबका अपना गोल हो सकता है, किसी को चाहिए कि घर खरीदना, किसी को चाहिए गाड़ी खरीदना, किसी को बच्चा को पढ़ाना, कहीं ट्रिप जाना, ये सबका अपना अपना हो सकता है। लेकिन बेसिक रीज़न अपना जो फ्यूचर सिक्योर करना, वो सबसे पहला वो होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, कि सबसे पहले हम अपना फ्यूचर को सिक्योर करें। अगर एग्जाम्पल इसमें दे तो मान लेते हैं कि आप कमा रहे हैं 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि आप अभी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपका एज 25 साल है, तो आप कंटिन्यूस 1 लाख रुपए कमाना शुरू किए हर महीने, और आप क्या करते हैं कि 10% पैसा, जैसे कि मैंने फाइनेंस में समझाया था कि 10% आपको पैसा सेव करना चाहिए, तो आप वही सुन के 10% कंटिन्यूस सेव करने लगे। 10% जब आप कंटिन्यूस सेव करने लगे तो आपका एज 25 साल है, आप 60 साल की उम्र तक जॉब करेंगे, तो आपका सेविंग 35 साल में कितना होगा? लगभग 42 लाख, उसी के आसपास होगा, एग्जैक्ट लगभग 42 लाख ही होगा। जब आपका 42 लाख रुपया 35 साल के बाद होता है, मतलब जब आप एज्यूम कीजिए कि आपका एज 60 साल है, ठीक, आपको 42 लाख रुपया दे दिया जाए और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि आप लगभग 1 लाख रुपया खर्च करते हैं, तो आप कितने सालों तक जी पाइएगा? 3 साल, 4 साल, नॉर्मल से बात है 4 साल, उससे ज़्यादा तो जी नहीं पाएंगे, ज़्यादा 5 साल, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन करना बहुत मुश्किल होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डाउन करना। तो अगर जो व्यक्ति 10% सेव कर रहा है, चाहे वो कितनों कमा रहा है, अगर 10% बस सेव कर रहा है, तो वो 5 साल से ज़्यादा जी नहीं पाएगा, मतलब 60 में रिटायर किया 65 तक ही जी पाएगा, उसके बाद डिपेंड रहना पड़ेगा फिर उसको दूसरा पे। इससे बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि चले मान लेते हैं कि आप में से कुछ बोला गया कि 20% चलो सेव कर लेते हैं, 20% का भी देख लेते हैं, तो 20% अगर मान लेते कोई व्यक्ति सेव करता है कंटिन्यूस 35 साल तक, तो उसका हो जाएगा लगभग 84 लाख रुपया। 84 लाख रुपया, अगर 60 साल का उम्र आपका आज हो जाए, अगर आपको 84 लाख रुपया दिया जाए, तो क्या आप ज़िंदगी जी लीजिएगा? जिसका लगभग खर्चा 80,000 रुपये के आसपास है, तो कितना साल तक वो जी पाएगा? 8 से 9, जैसा 10 साल, 60 में रिटायर किया और 70 तक जी पाएगा मोस्टली, उससे ज़्यादा तो नहीं जी पाएगा, क्योंकि लास्ट में मेडिकल कंडीशन बहुत सारा होता है, बहुत सारा पैसा खर्चा उधर भी हो जाता है, तो लगभग 70 साल तक वो जी पाएगा। अब 20% सेव करने के बाद भी इंसान नहीं जी पा रहा है, तो मान लेते 30% पे जाते हैं, तो हमको नहीं लगता कि हम अपना पूरा ज़िंदगी में किसी ऐसे व्यक्ति को मिले हैं जो 30% अपना पैसा सेव कर ले। बहुत कम ही है, होते हैं लेकिन बहुत कम, रेयर। फिर भी हम एज्यूम कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो 30% अपना पैसा को सेव कर लेता है, 1 लाख कमाता है, 30% कंटिन्यूस सेव करता है 35 सालों तक, उसका पैसा कितना हो जाएगा? 1,26,00,000, और उसका खर्चा था 70,000 रुपये। अब एज्यूम करते हैं कि आपका ये 60 साल हो गया आज, और आपको 1,26,00,000 रुपये दे दिया जाए, तो आप कितना साल जी पाइएगा, प्रोवाइडेड कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 70,000 के आसपास महीना होगा। कि तो कम कीजिएगा तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन एकदम कम तो नहीं होगा, 50,000 के आसपास हो सकता है। तो अब क्या ज़्यादा 20 साल जी लेगा घिंच तिर के। कोई व्यक्ति अगर 60 में रिटायर किया तो 80 साल तक जी लेगा घिंच तिर के। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, एक 80 साल तो कोई जीता भी नहीं है, तो एक बढ़िया ऑप्शन है कि आराम से अपना ज़िंदगी जिए, निकल गए, पैसा ख़त्म। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आप अपने जो आने वाले जनरेशन है वो खाली हाथ छोड़ के जाएँ? चाहिएगा ना कि उसको भी कुछ पैसा दें, कि आपका फ्यूचर जनरेशन हो उसको कम से कम खाली हाथ ना रहे, उसके पास कुछ पैसा रहे, आप कुछ दे के जाएँ। हमेशा कोई भी व्यक्ति हो वो हमेशा सोचता है कि अपने नेक्स्ट जनरेशन को, चाहे वो जमीन हो, गोल्ड हो, कुछ ना कुछ दे के ही जाना चाहता है, भले दूसरे को किसी और को ना दे, लेकिन अपना जो फ्यूचर जनरेशन है, अपना बच्चा है, उसको दे के ही जाना चाहता है, नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो अगर आप इस 30% या 10% या 20% के हिसाब से चलिएगा, तो हमको नहीं लगता है कि आप कुछ दे पाइएगा। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जो बोलेंगे कि रिटर्न जो मिल रहा है हम RDFD कर सकते हैं, जिससे हमको कुछ रिटर्न तो मिल जाएगा। सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा रहा है, जो आप 6% या 8% बोल रहे हैं कि आपको FD में मिलेगा या RD में मिलेगा, कैसे उसका वैल्यू कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब वो आपको बढ़ता हुआ वैल्यू दिखेगा लेकिन वो एक्चुअल में कुछ होगा नहीं। तो बेसिक आपको समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आप सेव किए तो आप सेविंग से नहीं कवर अप कर पाए, अपना जो फ्यूचर सिक्योर नहीं कर पाए, अपने एंसेस्टर्स को कुछ दे नहीं पाए, सबसे पहला तो ये चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, अब हम बात करते हैं इन्फ्लेशन का। अब इन्फ्लेशन को थोड़ा ज़्यादा हाइप कर दिया गया है, मोस्टली इसका यूज होता है ये बताने में कि आपको अपना जो एसेट है कितना रखना चाहिए 60 साल की उम्र तक, ताकि आप अच्छे तरीके से जी पाएँ। मेरा बेसिक कहने का मतलब इन्फ्लेशन में यही होगा, ठीक। अब हम यहाँ बात करें इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन में मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। सपोज करते हैं कि आज से 24 साल पहले, हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम जब 2 साल के थे तब से हम फुचका खा रहे हैं, 1 रुपये में 4 मिलता था, लेकिन जो हमको याद है वो हमको याद है कि हम 6-7 साल का थे तब 1 रुपये में 4 फुचका खाते थे, ठीक। तो अगर गवर्नमेंट जो बोलता है कि इन्फ्लेशन है 4+-2, कहने का मतलब कि 2% या 6% का बीच में इन्फ्लेशन है,
गवर्नमेंट यही मानता है, लेकिन इन्फ्लेशन का अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेगा तो वो 6% से भी ज्यादा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मान लेते हैं कि 24 साल पहले हम फुचका खाते थे 1 रुपए का 4, 6% इन्फ्लेशन, मान लेते हैं हाईएस्ट टर्म को ही मानते हैं 6% इन्फ्लेशन है, तो 6% है तो 12 साल में डबल हो जाना चाहिए कोई भी चीज का दाम। तो पहला 12 साल में हमको 2 रुपए में 4 फुचका मिलना चाहिए था, समझ आया कैसे, 1 रुपए में 4 फुचका मिल रहा था 24 साल पहले, तो 12 साल हम आगे आ गए तो हमको 2 रुपए में 4 फुचका मिलना चाहिए था, और 12 साल हम आगे आ गए तो हमको 4 रुपए में 4 फुचका मिलना चाहिए था। सेम फुचका वाला अभी भी वो फुचका बेच रहा है 24-25 साल से, वो अभी 10 रुपए में 6 देता है बेटा, तो अगर 5 रुपए का भी निकाले तो 5 रुपए में 3 दे रहा है वो, जबकि हम कैलकुलेट कितना किए 4 में 4, पैसा बढ़ रहा है फुचका कम हो रहा है, 5 में 3 ही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन 6% से भी ज़्यादा है। तो आप जैसे बोल रहे थे कि हम ऐसे जगह अपने पैसे को रख लेंगे जहां हमको 6% या 8% रिटर्न मिले, तो फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका पैसा घूम फिर के आप ही को मिल रहा है, बस वो रखने का पैसा आपसे ही चार्ज कर रहा है, उल्टा टैक्स भी लेगा ज़्यादा जो पैसा देगा उसमें। तो आपको दो कंसेप्ट समझ में आया, सबसे पहला कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, दूसरा इन्फ्लेशन से बचने के लिए। अब इन्फ्लेशन से बचने के लिए ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं कि आपको इससे डर जाना चाहिए, मेरा बस आपको कंसेप्ट बताना ये है कि जब आप कैलकुलेट कीजिएगा अपना 60 साल में आपको कितना पैसा चाहिए, जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो आप इसे 6% या 7% के आसपास रखिए इन्फ्लेशन को। मेरा बेसिक बताने का मतलब यही था, इन्फ्लेशन आपको डराना नहीं बस बताना। तो आपको दो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक सैलरी का और दूसरा इन्फ्लेशन का। इसके बाद अब आप एक फाउंडेशन है, इसके ऊपर आप अपना बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। आपको घर बनाना, आप घर बनाइए इन्वेस्ट करके। आपको कार खरीदना, आप कार खरीद सकते हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है कि आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप अपना लाइफ को ज़्यादा डेंजर में रखते हैं, ये पता चल गया आपको यही देखने से। कि कोई व्यक्ति बोलता है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम डेंजर में नहीं रहेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा तो आप ज़्यादा डेंजर में रहिएगा। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं चाहूँगा कि आप पूछें। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कौन कॉन्सेप्ट? मान लेते हैं आज से 24 साल पहले जब हम 2 साल का थे तब हम फुचका खाते थे 1 रुपए में 4, जो हमको याद, ठीक। गवर्नमेंट बोलता है इन्फ्लेशन है 4+-2। कहने का मतलब गवर्नमेंट बोलता है कि 2% से लेकर 6% तक इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन अगर नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं सबसे पहले इन्फ्लेशन क्या होता है। मान लेते 1 जनवरी 2020 को आप कोई सामान लेने गए, 100 रुपये का आप कोई सामान खरीदे। जब आप 100 रुपये का कोई सामान खरीदे तो सपोज कीजिए कि 1 किलो चावल खरीदे 100 रुपये का। अगर आप ठीक 1 साल बाद जा रहे हैं 1 जनवरी 2021 को, तो आपको सेम चावल खरीदने के लिए लगभग 106-107 रुपये के आसपास पे करना पड़ सकता है। तो यही होता है, जो नंबर बढ़ गया 100 से 106 हो गया, तो यही होता है इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट बोलता है कि ये 4+-2 है, मतलब हर प्रोडक्ट का दाम लगभग 2 रुपये से लेकर 6 रुपये तक बढ़ेगा, यही हुआ इन्फ्लेशन। तो अब मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम फुचका पे आते हैं। फुचका हम जो खाए थे वो खाए थे 1 रुपए में 4, जो हमको याद है 24 साल पहले। हम 24 साल इसीलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो। आज से 24 साल पहले 1 रुपए में 4 फुचका खाए। अब हम क्या किए कि उसको फास्ट फॉरवर्ड किए 12 साल। तो गवर्नमेंट बोलता है 6% इन्फ्लेशन है, मैक्सिमम को ही ले लेते हैं, तो 6% इन्फ्लेशन है तो 12 साल में पैसा डबल हो, तो 12 साल में डबल हो गया पैसा, मतलब 12 साल बाद हमको 2 रुपया में 4 फुचका मिलना चाहिए। 1 रुपए का वैल्यू अब 2 रुपये हो गया, तो 2 रुपये में 4 फुचका, फिर और फास्ट फॉरवर्ड किए 12 साल तो हमको और ये डबल हो गया, मतलब 4 रुपये में अब 4 फुचका मिलना चाहिए। सेम फुचका वाला, मतलब आप देखे होंगे अभी भी वही बेच रहा है फुचका, लेकिन अभी वो दे रहा है 10 रुपये में 6। तो अगर आप एक्चुअल कैलकुलेशन कीजिएगा तो 5 रुपये में 3 फुचका मिल रहा है, तो 6% से भी कहीं ना कहीं ज़्यादा है इन्फ्लेशन। नॉर्मल से बात है, आपको ये कैलकुलेशन करने से पता चल गया होगा। मेरा बेसिक कहने का मतलब ये है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको इससे कम रिटर्न दे रहा है, जैसे कि आप सेविंग में रखते हैं तो आपको वहाँ 3% रिटर्न मिलता है, 3.5% रिटर्न मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा पीछे जा रहा है, उसका खरीदने का क्षमता पीछे जा रहा है। छोटा ही रेट से अगर परसेंटेज आपको बहुत कम लगेगा, 2% या 2.5% है, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत स्पीड से पीछे जाता है उसका परचेजिंग पावर। अगर आप सेविंग में रखते हैं अपना पैसा, ज़्यादातर पैसा को, तो क्लियर हुआ होगा इन्फ्लेशन कंसेप्ट। कोई क्वेश्चन? नहीं।